मोनिका राणा जी जो है आपने यूपीएससी में जो है 571 रैंक हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपना MBBS करने के बाद ये डिसीजन लिया कि मैं IAS बनूँ, और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला है, और घर में सभी लोग खुश हैं, तो उस चीज़ से मुझे भी बहुत खुशी है। मेरी इच्छा थी कि मेरे मॉम डैड भी होते मेरे साथ ही खुशी शेयर करें, बट मेरी जो 2 साल की मेहनत है और जो इच्छा थी IAS बनने की वो पूर्ण हुई, तो मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, मार्गदर्शन किसका मिला आपको सबसे ज़्यादा? आई थिंक मेरा सबसे बड़ी मोटिवेशन तो मेरे माता पिता IFS और उसके अलावा मैंने अपनी MBBS के दौरान जितना भी हेल्थ सेक्टर में काम किया है उसमें जो मेरी समझ बनी कि हमारी सोसाइटी में क्या कमियां हैं एक अच्छी सोसाइटी के, उसमें उसने मुझे इंकरेज किया कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊँ जिससे जो सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, यूथ के लिए एक मैसेज जो आजकल कोचिंग सेंटरों में जैसे तैयारी वगैरह करना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उनके लिए जो मेन फोकस करें इसको? सर, मेरे हिसाब से जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उनको क्लासरूम में जो पढ़ाई हो रही है उस पर पूरा फोकस देना चाहिए कि उनकी फाउंडेशन बने, और उसके बाद सेल्फ स्टडी करें, उसको कंसोलिडेट करें, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना एफर्ट करें, बट कोचिंग को एक फाउंडेशन बना के उस पर बिल्ड करने की कोशिश करें, और अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें और डेडिकेशन और डिटरमिनेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।